वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लेके आया हूँ केमिस्ट्री का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों टॉपिक का नाम है मोल कॉन्सेप्ट। दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे आपको न्यूमेरिकल्स का सामना करना पड़ता है और बच्चे इसी से डरते हैं कि सर केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल मीन्स दैट बहुत ही टफ कॉन्सेप्ट होगा ये। लेकिन दोस्तों मेरे कॉन्सेप्ट आप अगर इसको देखेंगे कि कैसे हम मोल को समझते हैं और मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो अगर आप इसको डेप्थ में लेके चलेंगे और एनालिसिस करते हुए चलेंगे कि आखिरकार होता क्या है, तब आप इसके सारे न्यूमेरिकल्स आराम से और इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज जल्दी से जल्दी इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि अगर हाँ कोई डाउट होता है या कोई आपको एडिशनल टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज आप कमेंट करिए। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा टॉपिक जो है वो है मोल। ठीक है, मोल और कॉन्सेप्ट तो एक सिद्धांत है, आपको मतलब जो भी आपको समझना है कॉन्सेप्ट के बारे में। मोल क्या होता है, देखिए जब भी आप कोई चीज परचेज करने जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहां पर लिखूं ए डबल पी एल ई एप्पल और यहां लिखूं मैं बनाना। ठीक है, बनाना मार्केट में गए, मैं आपको बोल रहा हूं कि जाओ आप कुछ एप्पल लेके आओ। ठीक है, और मैं बोल रहा जाओ कुछ बनाना लेके आओ, है ना, बनाना मतलब केला, एप्पल मीन्स दैट सेब। आपके पास दो चीज है, ठीक है, एक चीज मैं और लेता हूं फॉर एग्जांपल ऑयल, ऑयल लिया। ठीक है, तीन चीज है आपके सामने, आपको बोल रहा हूं ये तीनों चीज लेके आओ। ठीक है, तो आप जब दुकान पे गए तो वहां पर आपने क्या बोला, आप गए बोले भैया मेरे को एप्पल दे दो, उन्होंने पूछा कितना एप्पल चाहिए, तो आपने बोला एक केजी एप्पल चाहिए। ठीक है, तो यहां पे क्या बोला आपने, वन केजी एप्पल चाहिए। ठीक, जब आप बनाने वाले शॉप पे गए, बनाने की दुकान पे गए, तो आपने पूछा कि भैया कैसे है बनाना, तो उन्होंने बोला कि इतने रुपए दर्जन है, तो आपने बोला मेरे को इतना दर्जन दे दो। मीन्स दैट आप देखे वहां बोले कि आप मुझे वन डजन बनाना वहां पे चाहिए आपको। ठीक है, समझते रहिए, जब आप किसी कन्फेक्शनरी शॉप पे गए वहां पे बोला आपने, तो आपने क्या बोला कि मुझे एक लीटर तेल चाहिए, तब उन्होंने एक लीटर तेल आपको दे दिया, तो यहां पे क्या हुआ, वन लीटर। अब आप यहां पे देख रहे होंगे कि मैं किस चीज को फोकस कर रहा हूं, आपको पता है यहां पे मैं वन केजी पे फोकस कर रहा हूं, वन डजन पे फोकस कर रहा हूं और वन लीटर पे फोकस कर रहा हूं। मीन्स दैट कि आपके पास जो भी क्वांटिटी है, जो भी आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स की बात करता हूं, देखिए यहां पर ध्यान से समझने वाली चीज है, जो भी आपके पास आर्टिकल्स हैं, जो भी गुड्स हैं, है ना, रॉ हो या कुक्ड फूड हो, जो भी आर्टिकल्स हैं उनका आप बाजार में परचेज करने जाते हैं, तो उस आर्टिकल्स को दो चीज में मिलता है वो आपको, चाहे तो वो आपको मिलता है क्वांटिटी के ऊपर, ठीक है, क्वांटिटी के ऊपर, चाहे तो वो आपको मिलता है मास के ऊपर, है ना। यहां पे आप जब एप्पल लेने गए थे तो आपको केजी में मिल रहा था, ठीक, फिर आपको लीटर में मिल रहा था, लेकिन जब आप बनाना लेने गए तो आपको किस में मिला, डजन में मिला। ठीक है, आपके एनसीईआरटी बुक में ही लिखा हुआ है स्कोर और आपके एनसीईआरटी बुक में ही लिखा हुआ है ग्रॉस, ये दो क्वांटिटी लिखी हुई है। डजन में क्या होता है, जब क्वांटिटी मतलब जब क्वांटिटी की संख्या 12 हो, मीन्स दैट कोई सा भी एक प्रोडक्ट अगर उसकी क्वांटिटी उसकी संख्या 12 हो, तो 12 संख्या का एक पैकेट बना देंगे, बोलेंगे कि ये 12 चीज एक डजन कहलाएगी। ठीक है, तो वो जब 12 होती है तो हम बोलते हैं डजन, जब वो 20 होती है तो हम बोलते हैं स्कोर, मतलब अगर 20 बनाना को मैं एक साथ रख दूंगा बोलूंगा ये कितना है, तो हम बोलेंगे वो वन स्कोर है, वन स्कोर इन द सेंस 20 आर्टिकल्स। ठीक है, और 12 आर्टिकल्स मीन्स दैट वन डजन। ठीक है, इसी तरह के ग्रॉस होता है, ग्रॉस क्या होता है, 144। मैं आपको ये एडिशनल चीज नहीं बता रहा हूं, ये एनसीईआरटी में अवेलेबल आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई किस चीज पे, कि हम क्वांटिटी पे मेजर कर रहे हैं, हम समान आर्टिकल लेने गए थे, हम क्वांटिटी के हिसाब से उसको परचेस कर रहे हैं। अब यहां बात आती है, जब हम एप्पल लेने गए थे तो हमें केजी मिला, मीन्स दैट कि वही क्वांटिटी है, क्वांटिटी सॉलिड है ना, क्वांटिटी सॉलिड है, तो हम क्या किए, एप्पल को नापे, उसका मास नापा हमने। ठीक है, तो जब मास नापा तो उसको केजी में किया, अगर वो लिक्विड है तो हम क्या करते हैं, उसको लीटर में नापते हैं। तो ये चीज लो क्वांटिटी क्या हुई, मतलब ये जो क्वांटिटी थी एप्पल की और ऑयल की, हमने उसको मास के अकॉर्डिंग नापा। तो आपके पास जब आप कोई क्वांटिटी परचेज करने जाते हैं तो आपके पास दो चॉइस होती है, चाहे तो आप उसको क्वांटिटी में परचेज कीजिए, चाहे तो आप उसको मास में परचेज कीजिए,
यहां की चीज समझ में आई, एक कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब आपके पास क्या थे वहां पे आर्टिकल्स, ठीक है। आप जब केमिस्ट्री, हम क्या पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री की जब बाहर आप देखते हैं कोई चीज, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स देखते हैं केमिस्ट्री में, तो आप देखते हैं कि हमारे पास मार्केट में आर्टिकल्स होते हैं, हम उनको डजन, स्कोर, ग्रॉस, केजी, लीटर, बहुत सारे ऐसे यूनिट्स हैं, हम उन्हें उसको मेजर करते हैं, ठीक है। अब जब बात आती है केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में ध्यान से देखिए, मैं इसको रब नहीं करूंगा, आप यहां देखिए। अगर मैं आपको ये बोलूं कि फ्रेंड्स आप ये बताइए कि मैं आपको एक कप दे रहा हूं, ठीक है, एक कप है, ठीक है। कप में मैंने आपको क्या दिया, वीट, वीट दिया, वीट, वीट समझते हैं, गेहूं, ठीक है, डब्ल्यू एच ई ए टी, मैं आपको वीट दे रहा हूं, गेहूं दे रहा हूं, एक कप है, पूरा फुल कप, कप ऑफ वीट है। मैं बोला कि ब्रदर ऐसा करो कि आप इस कप में कितनी गेहूं है, कितने गेहूं के आर्टिकल्स हैं, मतलब कितने पीसेस ऑफ गेहूं है, ठीक है। अब मैं बोला इसको गिन लो, आप क्या करोगे, सर गेहूं तो कप में है, ठीक है, क्वांटिटी कम है, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है ये कि एक एक दाने को हम गिनेंगे गेहूं के, तो गिन तो सकते हैं, पॉसिबल है, लेकिन ये बहुत टाइम टेकिंग होगा, बहुत मतलब ज्यादा क्वांटिटी होगा, ठीक है, तो सर सब कुछ मतलब हमसे नहीं पॉसिबल है। मैं कह रहा ठीक है, आपको अगर ये क्वांटिटी ज्यादा लग रही है तो एक काम करो, मैं आपको देता हूं एक चम्मच, ठीक है, एक चम्मच दो, आप बोलोगे हाँ ठीक है, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, मेरी एक शर्त है, मैं एक चम्मच गेहूं नहीं दूंगा, मैं एक चम्मच आपको दूंगा सॉल्ट, नमक, आपको एक चम्मच नमक दे दिया, और मैं पूछा कि इसमें बताओ नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ NaCl, सॉल्ट मतलब NaCl, अब इसमें बताओ कि NaCl के कितने पार्टिकल्स है, जो दाने होते हैं ना नमक के, नमक के दाने, तो मैं पूछूंगा अब एक चम्मच नमक के दाने कितने हैं, गिन के दिखाओ। अब तो आप बोलोगे सर कि ये एक कप था, एक कप था, आपने एक चम्मच कर दिया, मैंने तो क्वांटिटी कम कर दी, वहां पे तो एक कप गेहूं था, मैंने क्वांटिटी कम करके क्या कर दिया, एक चम्मच कर दिया, अब बताओ इसमें कैसे बताओगे। तो आप बोलोगे सर ये अभी तक तो गेहूं था, साइज थोड़ा सा बड़ा था, तो हम टाइम टेकिंग भले था लेकिन हम पॉसिबल तो था, लेकिन यहां पे तो साइज भी उसका छोटा हो गया, और एक चम्मच में तो पता नहीं कितने होंगे सर, वो तो इम्पॉसिबल लग रहा है हमारे लिए गिनना, लेकिन फिर भी हम गिन सकते हैं, मतलब आपको 3 से 4, 5, 10 दिन दे दूं, गिन लो गया, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि ठीक है आपको ये भी इम्पॉसिबल लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, तो मैं आपको एक ड्रॉपलेट ऑफ वाटर देता हूं, ठीक है, ड्रॉपलेट ऑफ वाटर मतलब ऐसे होती ना, कैसे होती है, ऐसे होती है, ठीक है, ये ड्रॉप है, ड्रॉप ऑफ वाटर, ठीक है, ड्रॉप ऑफ वाटर, आपको एक बूंद दे रहा हूं पानी, पानी की एक बूंद मैं आपको दे दी। अब मैं पूछ रहा हूं कि इसमें जो H2O है, वाटर है, इसके कितने मॉलिक्यूल हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं। अब यहां पे आर्टिकल्स था, मतलब इसके कितने गेहूं के टुकड़े हैं, यहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गए, NaCl के कितने वहां पे वो हैं, यहां पे मॉलिक्यूल्स आ गए। अगर मैं इसके और डेप्थ में जाऊंगा तो मैं एटम्स बोल सकता हूं। तो आप ये देख सकते हैं कि भले हमारी क्वांटिटी कप था, चम्मच हुआ, ड्रॉप हुआ, है ना, भले क्वांटिटी कम हो रही है, लेकिन जो डिफिकल्टी लेवल है क्वांटिटी का मेजर करने का, वो आपको आप देख सकते हैं कितना वेरी कर रहा है। तो इसके कंपैरिजन में जब क्वांटिटी हमारी कम होती है तो कैसे डिफिकल्टीज आती है, वो चलो बात अलग है, यहां पर चीजें समझ में आई, ये चीज समझ में आई इसके कंपेरिजन में। जब बेटा जब ये चीज आपको समझ में आ गई तो आप देख रहे होंगे जैसे जैसे मैंने क्वांटिटी को कम किया, मींस दैट वीट से लेकर मैं सॉल्ट पे गया, सॉल्ट से लेकर मैं ड्रॉपलेट पे गया, तो हमारे केमिस्ट्री में हम जब केमिस्ट्री के बाहर देखते हैं तो हमें आर्टिकल दिखता है, जब केमिस्ट्री के अंदर जाते हैं तो हमें क्या दिखता है, पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल्स, समझ पाया। तो वहां पे हम जब हमारे पास दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है क्वांटिटी के हिसाब से मेजर करने का, दूसरा ऑप्शन है मास के हिसाब से मेजर करने का। तो केमिस्ट्री में भी दो ऑप्शन होता है, मास के हिसाब से मेजर करने का और क्वांटिटी के हिसाब से मेजर करने का, दो ऑप्शन है, ठीक है। अब फ्रेंड्स होता क्या है कि जब 1700 सेंचुरीज की बात थी, जब केमिस्ट अभी नए नए केमिस्ट्री में पैर रखा था, तो उन्होंने मेजर तो कर लिया था कि भाई एक एटम का हम मास को रिलेटिव मास की तरह तौलेंगे, कार्बन के C12 आइसोटोप्स के अकॉर्डिंग हम उसको मेजर करेंगे, लेकिन उनके पास फिर भी कोई ऑप्शन नहीं था, है ना। तो उनके पास एक सबसे बड़ा हथियार क्या आया, सबसे बड़ा हथियार उनके पास दोस्तों ये आया कि 6.022 × 10^23
ये क्या है दोस्तों, ये उसको बोलते हैं हम एनए एवोगैड्रो नंबर। एनए मींस दैट एवोगैड्रो नंबर, ये इसको एनए बोलिए या एन नॉट से रिप्रेजेंट कीजिए। ये इतने पार्टिकल्स होते हैं, जब हमको ये बोले कि एक एटम में या एक मॉलिक्यूल में कितने पार्टिकल्स हैं, तो हम बोलते थे उस टाइम, मतलब जो साइंटिस्ट थे वो बोलते थे कि एक पार्टिकल्स में, मतलब एक एटम में या वन एटम, इसको ऐसे बोलिए, वन एटम या वन मॉलिक्यूल, वन एटम या वन मॉलिक्यूल में कितने होंगे पार्टिकल्स, एन ए मीन्स दैट 6.022 × 10³ पार्टिकल्स। आप देखिए ये क्या है, यहां पे क्या था कि वन डजन में 12 होते थे पार्टिकल्स, मतलब ये आर्टिकल्स है ना, और वन स्कोर में 20 आर्टिकल्स होते थे, वन ग्रॉस में 144 आर्टिकल्स होते थे। अब हम केमिस्ट्री में पार्टिकल्स आ गए, ये केमिस्ट्री नहीं है, ये केमिस्ट्री है, ठीक है, ये केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री में हमने क्या बोला कि पार्टिकल्स पढ़ेंगे, तो वन एटम में वन मॉलिक्यूल में इतने इतने पार्टिकल्स होते हैं। ये चीज समझ में आई, जिस तरीके से मैंने वहां रिलेट किया था उसी तरीके से आपको यहां रिलेट कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखिए, अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है, पार्टिकल्स और आर्टिकल्स वाला आपको समझ में आ गया है, ठीक। अब देखिए यहां पे क्या बात हुई कि जब भी अब जब उन्होंने इस चीज से, ये एक मैजिक नंबर था एवोगैड्रो नंबर, उस टाइम मैजिकल आया उनके पास, और उसी को बेस लेते हुए साइंटिस्ट आगे बढ़ गए, ठीक है। जब उन्होंने ये बोला कि एक जो हमारा नंबर है, ये एवोगैड्रो नंबर है, कि एक किसी भी एटम में या किसी भी मॉलिक्यूल में ये होता है। अब देखिए मैंने क्या बोला, एटम एंड मॉलिक्यूल मीन्स दैट कि अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं तो हाइड्रोजन एटम का उस टाइम हमने क्या बोला था कि 1U इसका मास है, क्या है, 1U इसका मास है। मास बोले तो आपका मतलब जैसे क्वांटिटी हमने कंपेयर की थी C12 से, तो 1 मास हुआ। अब दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूं कि 1 एटम में इतना तो मास है, लेकिन 1 एटम में हाइड्रोजन के ही, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 1 एटम में कितने पार्टिकल है, 6.022 × 10³ इतने पार्टिकल्स हैं। तो आप कंपेयर कर सकते हो कि इतने पार्टिकल्स तो वन एटम में है, लेकिन वन एटम का मास कितना है, 1U है, ये क्या है, मास है, ठीक है, ये मास हो गया और ये पार्टिकल्स हो गए, ठीक है। तो ये 1U तो उस टाइम हो गया, और मतलब मास, और ये हुए एक एटम में इतने पार्टिकल्स। तो आप बताइए 6.022 × 10³ पार्टिकल्स के कितने मास हो गए, तो आप कहेंगे 1 × 6.022 × 10³ ग्राम। जब एक एटम का 1U मास है, तो इतने सारे पार्टिकल्स के इतने मास होगा, मतलब 1 से हम इसको इंटू कर देंगे और यहां पे U की जगह पे ये ग्राम आ जाएगा, और जब ये इसको रिप्लेस करता है तो इसी को बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, GAM, जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है। अब आप समझे कि ये जैम कहां से आया और ये इसका मोड का कॉन्सेप्ट क्या है। मीन्स दैट कि अगर हमें एक एटम का देखना है तो 1U होता है, अगर हम उसका 1 एटम का हाइड्रोजन का देखें तो इतने पार्टिकल्स होते हैं, जो हमें बताया गया है, केमिस्ट्री ने बताया था, ठीक है। तो अगर हम इतने पार्टिकल्स का मास देखते हैं, पार्टिकल्स मास, अगर इतने पार्टिकल का मास देखते हैं तो फ्रेंड वो होता है 1 × और इतने पार्टिकल्स इसका, अब वो ग्राम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जब आप वहां पे सेब लेने गए थे, जब एप्पल लेने गए थे, उन्होंने क्या किया, आपने 1, 2, 3, 4, 5 एप्पल को उनके उसमें वेटिंग मशीन में रखा, तो क्वांटिटीज को रखा, और पूरे क्वांटिटी को मेजर किया, किसमें आया आपने, केजी, ग्राम, मिलीग्राम, जो भी आपका यूनिट था उसमें आया ना, तो इनका उस टाइम ग्राम था, ये ग्राम था, तो ये यू से कन्वर्ट हो गया ग्राम में, और उस टाइम हम बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। समझ में आई चीज। अब बेटा दोस्तों ये तो बात थी हमारे एक एटम पे, अब हम देखते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही ज्यादा मैजिकल वर्ड है ये, देखिए अगर मैं बोलूं कि इसी तरीके से H का हो गया, इसी तरीके से हाइड्रोजन का मतलब हो गया, आपको ऑक्सीजन का हो गया, सब कुछ का हो गया, अगर मैं बात करूं H2O की, H2O क्या है, मॉलिक्यूल है ना, मॉलिक्यूल है ये। अब दोस्तों क्या होता है कि जब हमारा ये मॉलिक्यूल है तो इसका मास कितना होगा, H2O का मास कितना होगा, मास होगा दोस्तों 18U मास होता है इसका। अब बताइए इस H2O में कितने पार्टिकल्स हैं, मैंने अभी क्या बोला था कि
वन एटम में और वन मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ पार्टिकल सेम रहते हैं, 6.022 × 10³ वो एवोगाड्रो नंबर सेम होता है। तो ये वन मॉलिक्यूल है ना H2O का, तो वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O इक्वल टू 6.022 × 10³ पार्टिकल्स, ठीक है। तो अब इसका इतने सारे पार्टिकल्स का मास ऑफ 6.022 × 10³ पार्टिकल्स का मास कितना होगा, इक्वल टू 18 × ये सेम नंबर 6.022 × 10³ पार्टिकल्स। तो ये अब क्या हुआ, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा दोस्तों उसको हम ग्राम में मेजर करेंगे, जो भी आंसर आएगा यहां पे उसको हम ग्राम में मेजर करेंगे और बताएंगे कि वो ग्राम एटॉमिक मास है किसका, H2O का। तो आप यहां तक चीज समझ में आ गए कि हम किसी एटम का निकालें या किसी मॉलिक्यूल का निकालें, जब हम बात करते हैं ग्राम एटॉमिक मास की तो होता है वो ये चीज, 18 से मल्टीप्लाई करते कितने पार्टिकल्स हैं किसी भी एटम में और किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी एक एटम में या किसी एक मॉलिक्यूल में आपके इतने पार्टिकल्स होते हैं। चीज समझ में आई। अब दोस्तों जब यहां तक चीजें समझ में आ गई थी कि हाँ जो ये मास आया है, फॉर एग्जाम्पल वन हाइड्रोजन का ये मास आया है ना, एक हाइड्रोजन के एटम में ये मास आया है कि 6.022 × 10³ ग्राम ये मास आया है, तो इसको हम ग्राम एटॉमिक मास तो कहते ही कहते हैं, ये ठीक है। लेकिन अब ये मास जब मॉलिक्यूल में आएंगे, जब हम कंपाउंड में आएंगे, तो ये मास कन्वर्ट हो जाता है, हम इसको बोलेंगे मास नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे मोलर मास, मॉलिक्यूल का मोलर मास हो गया, ये एटम का ये मोलर मास हो गया। तो वहां से कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि वन मोल में, वहां तक वहां समझ में आती है, इसको रब करो तो आप स्नैपशॉट ले सकते हैं, वहां चीजें समझ में आती हैं कि वन मोल में बेटा भाई वहां पे चीजें समझ में आती हैं कि वन मोल में हमारे पास 6.022 × 10³ पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, इतना पार्टिकल्स होते हैं वन मोल में। अब वन मोल में आपका मतलब मोल मींस दैट आपका एटम भी होता है, वन मोल मतलब आपका मॉलिक्यूल भी होता है, ठीक है, और इतने पार्टिकल्स हो गए और इनका जब वेट करते हैं मींस दैट जब एटॉमिक वेट के साथ इनको रिलेट करते हैं तो उस टाइम टर्म आता है ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास, और उसको ये ना बोल के हम बोलते हैं मोलर मास, मोलर मास, जैसे वहां पे ग्राम था यहां पे आपका एम हो गया मोलर मास, ठीक है, मोलर मास हो गया, जैसे यहां पे मोल है तो इतने पार्टिकल्स हैं तो इन्हीं मोल का जब हम वेट करेंगे तो हम बोलते हैं मोलर मास, और जब आप वहां पे पढ़ रहे थे ग्राम में था तो उसको बोलते थे ग्राम एटॉमिक मास जो जी में था, यहां पे मोलर मास है इसी पार्टिकल्स का मास। अब आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज मोल कॉन्सेप्ट। अब हम जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे इन्हीं के न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स, इन्हीं के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट के, तो आपको वहां पे और मजेदार समझ में आएगा, सॉरी वहां पे आपको और अच्छी चीजें समझ में आएंगी कि हाँ मोल कॉन्सेप्ट जो सर ने बताया था कि एक एटम एक मॉलिक्यूल में इतने पार्टिकल्स होते हैं तो उसको कैसे सर ने न्यूमेरिकल्स में उसको सॉल्व किया, ठीक है। तो वेट एंड वॉच कीजिए, आपको न्यूमेरिकल्स और बढ़िया और अच्छी तरह से समझ में आएंगे। अगर ये समझ में नहीं आता है तो दोस्तों वीडियो को फिर से रिपैक कीजिए, फिर से देखिए, पॉज करते हुए इन चीजों को ध्यान समझिए कैसे मैंने रिलेट किया था क्वांटिटी को आर्टिकल से पार्टिकल से, ठीक है, और कैसे कैसे इसका वन मोल की वैल्यू समझाई है, ठीक है, वो चीज समझ में आई ना दोस्तों। तो आप इसके एक लाइक जरूर दीजिएगा, अपने भाई बहनों को जरूर शेयर कीजिए, दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए कि हाँ इतने सिंपलेस्ट तरीके से कौन पढ़ा सकता है, ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।